सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय पाल, आपके लिए जियो फोन के बारे में लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा जियो फोन के अंदर ओमिनी एसडी फाइल इंस्टॉल या फिर ऐप को इंस्टॉल करने से दोस्तों आपके मोबाइल का डेटा या फिर दोस्तों कुछ भी पर्सनल डेटा या फिर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर या फिर कॉल डिटेलिंग या फिर दोस्तों मैसेज को कुछ भी दोस्तों आपका हैक हो सकता है, यानी उससे आपका मोबाइल को अटैक किया जा सकता है। यानी उसको आप यदि आप ओमिनी एसडी फाइल को आप जियो फोन के अंदर डालते हैं कंप्यूटर से या फिर कैसे भी डालते हैं किससे जैसे करके, पर दोस्तों आपका मोबाइल के अंदर आप ओमिनी एसडी एक फाइल लेते हैं, यानी ओमिनी एसडी इस तरह का ऐप होता है, यानी जिस तरह गूगल मैप इस तरह, यानी कोई यानी किसी भी ऐप इसी तरह वो ओमिनी एसडी ऐप होता है, उसी दोस्तों आप ओमिनी एसडी ऐप लाते हैं और उससे दोस्तों आप जीमेल ऐप हुआ चाहे दोस्तों गूगल डिस्क हुआ, यानी दोस्तों वो ऐप होते हैं दोस्तों वो ऑफिशियल ऐप नहीं होते हैं, और दोस्तों वो ऐप आप लाने से दोस्तों आपका मोबाइल का डेटा या फिर दोस्तों अपना कॉल डिटेल या फिर जो कुछ भी आपका हैक हो सकता है, यानी वो दोस्तों सॉफ्टवेयर वो हैकर द्वारा बनाया गया, यानी आप जियो फोन इंडिया के अंदर बहुत सारे भी किए हुए हैं और दोस्तों आप जैसे को किसी को पता चल जाता है दोस्तों तो आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं कि इस तरह हम इंस्टॉल कर लें ज्यादा से ज्यादा ऐप देख पाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके साथ धोखा हो जाता है कि आप दोस्तों यदि ऐसा काम करोगे तो आपको मोबाइल का जो भी आपके पर्सनल डेटा होता है, यानी दोस्तों मोबाइल नंबर हो गए अपने खुद के, चाहे आपके बैंक के अंदर हो चाहे आपके कहीं पे भी हो या फिर अपना जीमेल अकाउंट हुआ चाहे दोस्तों आपका मैसेज सेंड करते हैं किसी को वो दोस्तों चाहे कुछ भी दोस्तों आपका हैक हो सकता है इस ओमिनी एसडी फाइल को यदि आप इंस्टॉल करते हैं तो। दोस्तों ओमिनी एसडी फाइल दोस्तों बहुत सारा नुकसान होता है, मोबाइल जो मोबाइल भी खराब हो जाता है, गारंटी से बाहर हो जाता है, और यदि आप उसको इंस्टॉल करोगे तो दोस्तों मोबाइल आपका खराब हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो दोस्तों आपका अपना पर्सनल डेटा वो भी आप हैक कर बैठ जाएगी और उसके वजह से अपना कुछ भी नहीं रह पाएगा, यानी वो सिस्टम दोस्तों हैकर द्वारा बनाएंगे ताकि दोस्तों आप जियो फोन के अंदर इंस्टॉल करें और अब दोस्तों जियो फोन के अंदर चलाएं और आप जैसे को पता चल जाए तो दोस्तों आप तो इंस्टॉल करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों ये करना नहीं होता है दोस्तों, आपको अगर नहीं करना है लेकिन दोस्तों करोगे तो दोस्तों आपका डेटा हैक हो जाएगा। दोस्तों हैक नहीं करना, दोस्तों हैक होता है दोस्तों तो आपका डेटा किसी भी व्यक्ति के हाथ लग जाता है दोस्तों, कुछ भी वो कर सकते हैं, चाहे दोस्तों आपका कहीं पे भी मोबाइल नंबर या फिर अपने जीमेल अकाउंट हो दोस्तों, कुछ भी दोस्तों कौन सा भी अकाउंट हो चाहे दोस्तों आपको कुछ भी हो, यानी सो मैसेज सेंड करने किसी को पर्सनल मैसेज होते हैं वो सेंड करना होता है, ये मेरा व्हाट्सएप से दोस्तों अटैक कर सकते हैं दोस्तों वो, यानी सो सॉफ्टवेयर हैकर द्वारा बनाया गया तो उसको नहीं करना है इंस्टॉल या फिर इसको अंदर नहीं डालना है जियो फोन के अंदर वो कंप्यूटर से या फिर जैसे तैसे आप करके डालते हैं तो। दोस्तों आपको वो नहीं करना, मैं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो लेकर मैंने कस्टमर केयर से पूछा दोस्तों तो उन्होंने बोला कि इस तरह का जियो फोन के अंदर कुछ भी अभी तक दोस्तों हम हमारे द्वारा कुछ भी जानकारी वो हम नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर हमेशा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप स्टोर करते हैं जो जियो स्टोर के अंदर अवेलेबल रहते हैं जो आपके लिए एकदम सही होते हैं या फिर कुछ भी इसके अंदर गड़बड़ नहीं होती, यानी किसी भी दोस्तों हैकर या फिर किसी का इसके पीछे हाथ नहीं होता, जियो स्टोर जो भी ऐप होते हैं यानी ऑफिशियल ऐप होते हैं और दोस्तों वो आप ऐप करते हैं इंस्टॉल वो दोस्तों आप वेब से या फिर किसी इसको फाइल को लेते हैं उसके बाद इसके अंदर डालते हैं दोस्तों तो आपका मोबाइल का डेटा हैक हो सकता है दोस्तों, तो इसको हैक नहीं करना है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, वीडियो करना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और दोस्तों जियो फोन जब भी कोई अपडेट मिलती है मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आता हूँ, तो दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आपने यदि कर लिया दोस्तों तो कैसे उसको ओमिनी फाइल को कैसे हटाएं या फिर कैसे इसको उड़ाएं, जियो फोन के अंदर ऐप है दोस्तों उसको। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नए साथ, जय हिंद जय भारत।